आप भी बजाएं तालियां। वेरी गुड, चलो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कादिर आजाद, वेलकम टू आस्का मनाए। कैसे हैं आप सब? मुनासिब। कादिर आजाद आज की जो हमारी मेहमान है, भाई कमाल अदाकारा है, जो कैरेक्टर करती हैं रंग भर देती हैं। फिल्मों में तो ऐसा कमाल काम करती हैं कि उनके कैरेक्टर सालों तक याद रहते हैं लोगों। आ रही है चुराने दिल का चैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सूर्या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, आइए बस्ती रहनी चाहिए बेटा। सूर्या बैठने से पहले बस अंकल, बस अंकल ये तालियां महंगी पड़ सकती थी आप। सोनिया शो की रिवायत है, बैठने से पहले हमारा गेस्ट एक शेर सुनाता है। शेर कभी अच्छा होना जरूरी नहीं है, बस होना चाहिए शेर। चलो सही, बताओ। ओ, आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया, तो आपके लिए एक शेर है मेरे लिए। हाँ, कि डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, सुना है ना आपने? बड़ा मिसरा है, डब्बे में डिब्बा डिब्बे में केक। अकबर चौधरी का शो लाखों में एक है। अकबर चौधरी का शो लाखों में, तशरीफ रखिए। सोनिया इतनी वर्सटैलिटी के साथ, इतनी अच्छी एक्टिंग रेंज, इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी, कैसे कर लेती हैं सब ये महवेश आयाद? बदला ले रहे हैं आप मुझसे। मेरा काम वेलकम टू हंसना मनाया सोनिया। होपफुली आपका सफर यहाँ तक का, यानी शो पे पहुंचने तक का अच्छा गुजरा होगा। जी बहुत अच्छा। अच्छा सवाल पहला स्टार्ट करूंगा, बचपन से ही आपको होस्टिंग का बहुत शौक था, और मैंने सुना है कि बचपन में आप नीलाम घर टाइप कुछ करती थी, अपने पैसों से इनाम खरीदती थी, अपने आप को ही दे देती थी अक्सर, तो ये क्या सेटअप था? बचपन से ही फाद मुस्तफा बनना चाहती थी, क्या था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। खरीदती थी अपने पैसों से, और कितनी मैं बेवकूफ़ थी ना। नहीं लेकिन शौक था, शौक था तो कोई बोल नहीं होता मैं। हाँ नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, वो पेंसिल रबर कटर, हाँ। वो उसका एक बॉक्स बनाती थी, एक लूडो का सेट बनाती थी और शो करती थी आपकी। अच्छा, शो में मोहल्ले वाले लोग आते थे या कौन दोस्त आते थे, क्या कौन लोग आते थे शो में, या कुछ घर पे शीशे के सामने? रैंडम स्कूल में बता दिए इधर शो हो रहा है, एक शो हो रहा है, गिफ्ट्स मिलेंगे, आ जाओ। इतने बच्चे आ जाते थे, इतने बच्चे जगह ही नहीं होती थी बिठाने, मुफ्त का माल हो तो कौन नहीं आता। अच्छा ऐसा है कि अनलाइक अदर्स, आपको व्हीटिश कलर यानी गंदुमी कलर या हनी कलर जिसे कहते हैं, वो बड़ा पसंद है, ठीक है, और यहाँ से आप और फाद मुस्तफ़ा के रास्ते अलग हो जाते। तो बताने का मकसद ये था कि आपको पसंद है अनलाइक, मतलब ये बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं लड़के खास तौर पे, तो अनशन चीज़ें लगा रहे हैं, चूने लगा रहे हैं, मछली पे दूध पी रहे हैं कि गोरे हो जाए, मगर आप जो हैं वो सन टैन ले रही होती हैं, क्रीमें लगा, कलर गंदुमी हो जाए, क्या खास? पता नहीं, मुझे ओलिव कलर पसंद बहुत है। वैसे तो अल्लाह ताला नेचुरली भी एक ओलिव कलर दिया, उसको मेंटेन करने के लिए एक जो पिंक और ओलिव टाइप का कलर होता है, और वो शूट पे अच्छा भी बहुत आता है। हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बीच पे जाएं आप। कभी भी आपको गोरे रंग से शगफ नहीं रहा? कभी किसी ने ताने वाने तो नहीं दिए कि ये क्या बात हुई भाई, तुम अच्छा खासा रंग है, इसको काला कर लेती हो? नहीं, तो काला रंग भी बड़ा प्यारा होता है, क्या मतलब? यही बोलवाना चाह रहा था आपसे, क्लियर हो जाए एक बार। नहीं, उससे हसीन कोई रंग ही नहीं है। एक बहुत ही लेजेंड अदाकार है, एजलेस है, फैसल रहमान। अब सच में एजलेस है, सबकी एक मुत्तफिका राय है जिसपे कहते हैं ना, इजमा है तमाम लोगों का कि अब उनको कैरेक्टर रोल्स करने चाहिए, उनको वालिद के रोल में आ जाना चाहिए, बाप बन जाना चाहिए, मगर आप उनकी अम्मी बन गई एक कैरेक्टर में, फैसल रहमान की अम्मी बनना, एक प्री हिस्टोरिक रोल था वो जी। ये आपने खुद से सोचा कि यार मैं अगर ये मैं कर लिया तो शायद छाप लग जाए कि ये तो यार फैसल रहमान की अम्मी बनती है भाई? ये तो नहीं, अदाकार तो अदाकार होता है, वो तो उसका काम ही कैरेक्टर को निभाना होता है, कभी कभी इनका कैरेक्टर है तो कभी वो जो आंटी बैठी, नहीं आंटी नहीं बोलूंगी, वो लड़की जो बैठी है, बाजी जो बैठी है। अच्छा, जिनको नहीं पता, जिन बच्चों को फैसल रहमान कौन है, मैं दिखा दूं एक बार ताकि लोगों का अंदाजा हो कि आप कितनी अजीम माँ बनी होंगी। इसमें तो बड़े यंग लग रहे हैं ना? हाँ, इसमें तो काफी मुनासिब लग रहे हैं, वो यंग ही लगते हैं, यंग ही लगते हैं। नहीं वैसे वो यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था, तो मेरे दामाद बने थे उसमें। अच्छा, उसमें आप सास बनी थी इनकी? जी, मैं इनकी सास। सास बनी। अच्छा सोनिया, मसला अच्छी बात यह है कि हमारे साथ एक बेहतरीन क्राउड आया हुआ है, ये आपके फैंस हैं, ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, इनके पास चलेंगे एक एक करके और पूछेंगे इनके पास क्या सवाल आते हैं। पहला कौन है भाई, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? फिरदौस। वाह फिरदौस मैडम, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूं। अरे वेरी नाइस। कोई सवाल? हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपकी शक्ल ना प्रियंका से बहुत मिलती है, तो अगर आपको ऑफर आए कि प्रियंका के साथ आप उसकी जुड़वा बहन का किरदार अदा करें, तब करेंगी? प्रियंका का जोड़ा पहन के किरदार? जुड़वा बहन, अरे मिलती तो आप बहुत ज्यादा है यार।
जुड़वा बहन। इसमें से कौन सोनी है? पिक्चर से मिल बहुत अच्छी, बहुत मिल रही जी। करेंगी उनके साथ तो क्यों नहीं, क्यों नहीं करेंगे। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है पार्टनर? मेरा नाम हमजा है सर। हमजा क्या करते हो? मैं रेडियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। कोई सवाल है? सवाल है सर, लेकिन सवाल से पहले मैं मैम से कुछ कोई बात करना चाहूँगा। असल में मैं सवाल से हूँ, मैं पुश्तों में करना चाहूँगा मैम से। आप दोनों पश्तो, आप पश्तो समझ लेती है ना? नहीं तो फिर पश्तो में करके फायदा क्या? ट्रांसलेट भी कर दूंगा। खैर अच्छा, तो फिर ट्रांसलेट। मोर पश्तो में कहते हैं ना? यस मैम, मोर माँ को कहते हैं मैम। जी जी, वो मैंने बस फिल्म की पहले ही वार्निंग दे दी है बेटा। चलो मैम, तासुनन जमंगा वल लेने मुलाकात ते मुंगडीर खुशहाल हो। तासुनन देर खख कह रही। लास्ट वाले रिपीट करें। इसका ये मतलब है मैम, पहली दफा आपसे मुलाकात हो गई है, मैं बहुत खुशी हुई, आप बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अच्छी लग रही को कहते हैं खखारे? जी मैम। खखारे बड़ा यही है ना मतलब इसका? जी सर। हम जगह जगह जाओ खखारे खखारे खखारे, लड़कियां बोले इधर आ रहे इधर आ रहे इधर आ रहे। वेरी गुड। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है मैम से। जी मैम, इंडस्ट्री में आपको सबसे पहला क्रश किस पे आया? सेलिब्रिटी क्रश आपका सबसे पहला कौन था सोनिया? सबसे पहला सेलिब्रिटी क्रश जो था वो सजाद अली थे। अरे वाह। और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली मुझे, चले उनको छोड़े, सजाद अली हैं। सही है, रिसेंटली था अब नहीं है। समझ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महनूर। महनूर क्या करती हो तुम? एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छे, खतरनाक लड़की, इसको पता है कि मैं सोच क्या रहा हूँ। महनूर क्या सवाल पूछोगी तुम? सोनिया मैम से क्वेश्चन है, आपने एक ड्रामा किया था शराब, उसमें आप साइकोटिक का रोल किया जो सिज़ोफ्रेनिक बनी हुई थी, तो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्ट लाइक सिज़ोफ्रेनिक पेशेंट एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर्स, एक क्वेश्चन। और दूसरा ये कि अगर आपको दोबारा किसी और मेंटल डिसऑर्डर पे काम करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ओके, गुड क्वेश्चन। वैसे तो मैंने बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स पे काम किए, जैसे ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्पेशल किट का काम किया, और ये था स्किज़ोफ्रेनिक। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और मुश्किल, जी मुश्किल होती थी क्योंकि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं उनका दो चीज़ होती है, डिल्यूजन्स होती है उनको, हेलुसिनेशंस होती हैं। तो वो एट टाइम्स ये होता है कि अगर आप उसको ओवर परफॉर्म कर दें तो वो ऐसा लगने लगता है कि आप पे पता नहीं जिन आ गया, कि आप खुद ही से बातें कर रहे हैं, खुद ही आवाज़ आना शुरू हुई है। तो हमारा ये एक मोटिव था कि ये पता ना लगे, कि ये पता लगे कि ओ शी इज़ अ पेशेंट, कोई जिन नहीं आया। और यूजली होता है ये घर में कोई इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, तो लोग उन्हें बाबा के पास ले जाते हैं, झाड़ू मार रहे हैं, हाँ खुद से बातें कर रहा है, ऊपर देख के बातें कर रहा है, तो वो बेसिकली एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो ये अवेयरनेस के लिए हमने किया था। अच्छा, मैं अक्सर ऐसा होता है ना कि पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक बहुत हाई परसेंटेज लोगों की ऐसी है, अमूमन मर्दों में बहुत हाई है, जो किसी ना किसी डिप्रेशन का शिकार हैं। हमारी बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं, अक्सर आप मर्दों में सुनती होंगी, यार मुझे बस गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, दैट्स अ डिसऑर्डर। तो अगर आपके हस्बैंड ये कह रहे हैं कि भाई मैं पागल हो जाता हूँ, मैं बस मेरे से दिमाग में खराब क्या करो, तो आप दूसरों को, अरे बस गुस्सा तेज आ जाता है, मतलब आदमी बहुत अच्छी है, नाक सूजी हुई है आंटी, गुस्सा बहुत तेज आता है मगर आदमी बहुत अच्छे, उनको दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? लाइबा। लाइबा क्या करती हो तुम? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हूँ, वेरी गुड। कोई सवाल? अगर आपको मूवी का दोबारा मींस के चांस मिले तो आप किसके साथ करना चाहेंगी, ताबिश के साथ या फवाद खान के साथ? या तो मुझे क्यों फंसा देते हो? आपकी जानने वाली है। मैं खुद फवाद खान के साथ करना चाहूंगा। दूसरा नाम क्या था? फवाद बोले, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, आप बोलो भाई, मैं खुद उनके साथ ही कर रहा हूँ ना यार। डिपेंड करता है जॉनरा क्या है, अगर तो कोई कॉमेडी फिल्म है तो ऑब्वियसली, क्योंकि कॉमेडी के लिए ना आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और आपका क्या कहते हैं वो जल्दी जल्दी आंसर करना बहुत एक्टिव होना जरूरी है, तो ऑब्वियसली फिर आपके साथ करेंगे। मूवी करेंगे आप लोग? मैं मूवी में करूँगा। बहुत सालों हो गए, 10 साल पहले लास्ट मूवी की थी मैंने। आपने मूवी की? जी हाँ जी हाँ, शादी की थी मेरी। अगला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? सैयद जानजेब। सैयद जानजेब, क्या करते हो जानजेब? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, किस क्या पढ़ रहे हो? बीएस इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश में सवाल पूछो, आज छोड़ो सर। आज बड़ा ये डिग्रियां टेस्ट होंगी।
पहले तो बंदे ने सोचा भी क्या बी एस इंग्लिश थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं बेटा बी एस कर रहे हो बेटा, इसके अंदर तुम सिर्फ बी एस ही तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर है। अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर है इसलिए मुझे इंग्लिश नहीं आती बेटा, ए बी सी टू तो आती है। सो माई क्वेश्चन इज, इंग्लिश क्यों चुना है? कोई कोई तो आपका वो होगा ना। अच्छे से आप इंग्लिश में क्यों कर रहे हैं जबकि और भी जुबानें हैं दुनिया में? उर्दू में क्यों नहीं किया? लेकिन कहीं और एडमिशन नहीं मिला ऑनेस्टली बहुत बहुत कह रहे हो। ये बहुत, ये देखो तुम्हारा जो फोकस है ना बेटा लाइफ में, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की थी और इंटर किया था बिल्कुल यही एटीट्यूड था, जहाँ एडमिशन मिल रहा है ले लो बस। अब बताओ इंग्लिश में सवाल। सो माई क्वेश्चन इज, आपने एक ड्रामा किया है बहुत ही। सो माई क्वेश्चन इज, बहुत प्यारा लगा मुझे। मोहब्बत तुझे अलविदा करते हैं, तो उसमें आपका एक प्राइज बॉन्ड लगता है जी, तो रियल लाइफ में भी आपका कोई प्राइज बॉन्ड लगा है? जैसे कि आज ताबिश भाई का प्राइज बॉन्ड लगा है, आप उनके साथ बैठी हैं। कभी कभी लॉटरी वॉटरी लगी है आपकी सोनिया? नहीं कभी खरीदा नहीं है वैसे, लेकिन मेरी लक बड़ी अच्छी है, शायद खरीदूं तो निकल भी है। तो एक बार खरीद ले, प्राइस बॉन्ड खरीद। हाँ ठीक, प्राइस बॉन्ड ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? हसन। हसन सच बताना बेटा, तुम्हें पता था तुम शो में जा रहे हो जी, उसके बावजूद तुम ऐसे मतलब ऐसे ही आ गए बस उठ के, ना बाल बनाए ना कमीज उतरी की, बस आ गए। शो आपका था ना? जाहिरी बात है उसको मेरे अंदर एक घरेलू घरेलू आपकी ऑडियंस भी आपकी जैसी है, मेरी जैसी घर घर सा एहसास इसको। बेटा क्या करते हो? सीएस कर रहा हूं। बहुत अच्छी, बहुत। ओह सीएस, जब भी तो ये हालत हो गई। सीएस क्या होता है? क्या होता है बताएं ना, क्या होता है सीएस? सीए पता है मुझे, सीएस नहीं पता ना आपको? कंप्यूटर साइंस। हां कंप्यूटर साइंस, बस इतना सा है अपना CS? अच्छा मुझे लगा कोई बड़ी डिग्री है। नहीं CS है भाई, बड़ी डिग्री है तो बहुत कुछ पढ़ाते हैं। मुझे लगा चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप कोई डिग्री है। अच्छा तो फिर तो सही है। अच्छा अपना बदाल ये बताओ बेटा कि हसन क्या करते हो? तुम CS कर रहे हो, कोई सवाल भी है? सवाल मेरा सोनिया बहन से। हाँ जी जी जी, मेरा सवाल ये है कि आपका कैरियर इतना अच्छा जा रहा था तो फिर आपको क्या सूझी कि आपने टीच बटन में काम किया? वो पूछ रहा, फिल्म अच्छी थी, मैं देखने गया था। फिल्म अच्छी तो थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। एक तो मैं तुम्हारी बातों पे इतना हंस रही हूँ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं नहीं सोनिया, आपका मजाक नहीं उड़ाया उसने, कहा आपका करियर इतना अच्छा जा रहा था। हाँ पिच बटन मैंने देखी, काम नहीं कर पाई इतना वो मूवी मार्केट के अंदर। आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी क्यों नहीं काम कर पाई? नहीं बिजनेस बहुत किया, बिजनेस मुझे पता लग गया, पैसे कमा लिए उन्होंने काफी, एक एक पैसे पे नजर अच्छा नजर है आपकी, एक एक टिकट आप गिन रही हैं बिल्कुल। नहीं नहीं काफी, चार महीने पांच महीने लगी रही है फिल्म, जबकि यहाँ दो हफ्ते बाद उतर जाती है फिल्म में। लेकिन क्यों तुम्हें नहीं अच्छी लगी? क्या बेटा क्या कमी लगी आपको? क्या कौन सा डांस किया था, क्या गाना था उसके अंदर? ये अपनी फिल्म में गाने आप खुद याद रखा करें यार। मैंने बोल दी ना, मैं नहीं बोलती अच्छा गाना। वो एक्चुअली हुआ ये कि कुछ चीजें हुई थी, फिल्म डिले हो गई, नहीं हो सकी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सीन्स निकलने की वजह से भी वो थोड़ा सा स्टोरी सही से जुड़ नहीं सकी प्रॉब्ली, लेकिन फिल्म वेल ऑन बॉक्स ऑफिस। सही कह रहे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। अगला जल्दी जल्दी अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सईद अहमद। क्या करते हैं सर? जॉब करता हूँ। मतलब मखसूस काम है? जी सरकारी जॉब है। किस सरकारी महकमे में है? जी मैं CNW में हूँ। CNW क्या क्या करता है? वहाँ सेंट्री का काम करता हूँ। अच्छा कोई सवाल लाएं सर? जी आपसे ही सवाल है। अच्छा। आबिश भाई मैंने ये देखा है, जब से मैं आपका शो देखता हूँ ना, और आज नहीं बड़ी देर से, जब से शुरू किया, सालों से, जब से आपने शुरू किया है, जब से आप सबको अपना मेहमान बनाते हैं, जी कभी किसी ने आपको भी मेहमान बनाया है? टीवी पे नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो नहीं, महफिलों में बनाऊं मैं। अगर नहीं बनाया तो मैं हाजिर हूँ, आप मेरे मेहमान बनकर आए। सर जिस तरह आप बुला रहे हैं, मैं दो तीन लोग साथ लेकर आऊंगा। हम लोग ग्रुप में आएंगे सर। जी हम लोग ग्रुप में आएंगे, अकेला नहीं आऊंगा मैं। जैसे आप चाहे 10 जनों के साथ आए, मैं आपको जाऊंगा अकेले ही।
वेलकम करने के लिए आप आओ, कितने लोग भी जाओगे अकेले आपसे। नहीं इंशाल्लाह सर, बिल्कुल। आप कहाँ रहते हैं? मैं दादा दरबार। आप वहीं पे रहते हैं? उसके पास दादा दरबार के बैक साइड पे सरदार चप्पल है, सरदार चप्पल चौक। सरदार चप्पल चौक जी, मैं उस वहाँ पे रहता हूँ। वहाँ रहते हैं तो आप मुझे लंगर ही खिलाएंगे या कुछ? नहीं, आपकी सोच होगी जो आपको इंशाल्लाह सोच होगी अगर मैंने आपको कुछ खिलाया तो। आपका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करूँगा। मैं क्या वहाँ आके आवाज़ें दूँ सैयद अहमद सैयद अहमद? नहीं, मेरा आपके पास फ़ोन नंबर होगा, मेरा एड्रेस होगा, हर चीज़ होगी, आपको बुलाने की जरूरत पड़ेगी। आपको वेलकम करने के लिए 5-10 लड़के भाई खड़े होंगे जो आपका इस्तकबाल करेंगे। ठीक है, मैं आपका इस्तकबाल करेंगे। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। फिर कितना अच्छा शो है आपका, है कि हंसने के पैसे मिल रहे हैं, हंसने के पैसे बुला रहे हैं चप्पल चौक मुझे पे। मुझे तो कब से आप जब टीबीएच से कर रहे थे तब से हमें इनवो आता था कि आप ऐसे गेस्ट हैं, तो मुझे मैंने देखा हुआ इतना शो। सीरियस लिया ही नहीं कभी इस बात को। नहीं, मैंने अपने किसी कजन से पूछा, उसने कहा मत जाना, बहुत गंदी गंदी बातें कर। तो मैंने तो मना कर दी डर के। वो देख रही है, वो देख रही है कजन बैठ के ना, वो गंदी गंदी बातें। फिर मैंने आपको देखा वो जो एमकेएम वाले है ना, उनका शो देखा, वो क्या नाम है, मुस्तफा कमाल? नहीं, एमकेएम पे थोड़ी है वो, अब है ना दोबारा फारूक सत्तार, वो भी एमकेएम में फारूक सत्तार। फारूक सत्तार, हां फारूक सर, बड़ा अच्छा शो था, बहुत अच्छा शो। अच्छा भाई, अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम? इकरा। क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ भी हूं और ब्यूटीशियन भी। बहुत अलग डबल काम है आपको तो। जी, तो कोई सवाल लाई है? आप, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतना रोती हैं, इतना रोती हैं, कैसे रो लेती हैं इतना कि रो ही जाती हैं? क्यों नहीं रोना आता है ज्यादा आपको? रोल चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कदर में आप वो तिनके का सहारा। तो मियां मर जाएगा तो रोएंगे ही, और पूरे ड्रामे में आप रोई हैं इस कदर। दो हफ्ते, एक दो महीना चलता है, तब तो गम बनता है एक शौर का। और वो साहिर खान को माफ ही नहीं कर रही, वो बेचारा कब्र किनारे चला गया। इतना देखा इन डेप्थ एनालिसिस सब देखा है। नहीं, मैं बहुत बहुत शौक से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तभी तो मैं शौक हुई हूँ। लगता है दोनों काम नहीं चल रहे, ना हाउस वाइफ ही चल रही है ना ब्यूटीशियन का काम, इतना ड्रामा देख रही हैं आप। जी, अब बस क्या कह रहे, कैरेक्टर्स कुछ इस तरह के होते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत मजलूम कैरेक्टर ना हो, जैसे अभी तेरे बिना मैंने आप देख रही हैं, तो एक करियर ओरिएंटेड लड़की है, वो अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, तो मजलूम तो नहीं होता, बड़ा सिचुएशनल चीज़ें होती हैं। मैंने बड़ी अच्छी किसी मुझे बड़े एक्टर ने बात की थी, आप एक्टर तो रो लेता है लेकिन जब उसके साथ आवाम रोने लगे ना, तो इसका मतलब है फिर आपने कुछ किया है। पर मैं तो रोती हूँ आपके साथ। थैंक यू। और हस्बैंड? वो सोए होते हैं। मैंने ड्रामे वो सोए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद क्या करते हो? बीएस रेडियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। बीएस तो सवाल जी मेरा मैम से कि आपसे पूछा गया था कि क्या आप किसी एक्टर से शादी करेंगे, तो आपने कहा था कि अल्लाह ना करे, तो इसी वजह से मैंने एक्टिंग नहीं की। तो आगे कुछ क्या बता सकती हैं कि इसके पीछे क्या रीजन थी? एक्ट्रेस पे आप कहती मैं शादी नहीं करूंगी, अल्लाह ना करे, क्या आपको सबका पता है? देखिए, मैंने पहले आई थी कि जरा ये बात मुझसे पूछती थी कि क्यों कहा है ये। देखिए, एक घर में एक ही क्वीन हो सकती है ना। वाह, हैं? हाँ। तो अब एक्ट्रेस ही कर लेंगे, वो अब शीशा ही नहीं छोड़ेगा अपने आप को देखने में, तो आप ही क्या तारीफ करेगा, आपको क्या मतलब? अपने आप को देख रहा होगा वो, खूबसूरती की तारीफ करेगा, आंखों की तारीफ करेगा, संगे मरमर करेगा, मेरी आंखें देखो सोनिया, यूं कर रहा है आप बोले। तो मुझे 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 हाँ मुझे उस तरह के वो नहीं अच्छे लगते जो अपने आप सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा करके, इसलिए हाँ। नहीं, ये बात नहीं कि सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं, लेकिन एक्टर के अंदर एक होता है कि और मुझे ये दोनों ही पहचाना जाए, मेरी बात की जाए, एक होता है इस तरह से। तो और दोनों ही एक्टर होंगे तो फिर स्केड्यूल्स इतने बिजी होते हैं कि भाई मुलाकात ही कहाँ होती है फिर, वो भी 12-12 घंटे के शूट में आप भी, इसलिए। लेकिन आपके स्टेटमेंट से इंडस्ट्री एक बहुत बड़े एक्टर से महरूम रहेगी। बहुत बड़े हमारे साथ एक बेहतरीन ऑडियंस अपने लिए तालियां बजाइए। और इसी के साथ वक्त हुआ है तो एक छोटा सा लिया जाए ब्रेक, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। शाहरुख खान, हाँ शाहरुख खान, वो ऐसे होते हैं तो उनका नाम लो ना तो आ जाते हैं, तो ये मैंने कहा अच्छा ऐसे नहीं होता। और हम बातें करते करते हम सो गए और वो लिटरली उसी रात उसने मेरी टांग खींची और मैं ऐसे छोड़ो ये वाली पकड़ो, इसमें चुकाई नहीं है मेरे।
Ladies and gentlemen, welcome back to Hasna Manaik. मेरे साथ मौजूद हैं सोनिया हुसैन. भाई सोनिया, टर्किश एक वेब सीरीज शायद कर रही हैं, गालिबन अभी रिलीज नहीं हुई है, मगर उसमें एक ड्रग एडिक्ट का आप किरदार अदा करती हैं. हीरोइन एडिक्ट. तो ये जो आप किरदार अदा करती हैं, इसे मेथड एक्टिंग वगैरह करनी होती होगी, तो ये आपने लगाया क्या, मतलब या बैठी हीरोइनचियों में, क्या कैसे पता चला कि हीरोइनची ऐसे होते हैं? ऑब्जर्व तो करती हूँ उस तरह की चीज़ें, क्या एक्ट्रेस वगैरह, तो नहीं किया नहीं है. करके देख, कुछ लोग करते हैं भाई करके, जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, उन्होंने टैक्सी का लाइसेंस लिया, इस चक्कर में उन्होंने टैक्सी ड्राइवर का रोल करना है, तो एक्शन करती करते रह जाएंगे, मैं अपनी धुन में चली जाऊंगी. इसी में वो इसी में लग गए, उनके ऊपर मूवी बन रही है. मैं वैसे अपनी इतनी धुन में रहती हूँ, तो पता नहीं क्या होगा. सारी एक्टिंग कर करके. अच्छा, एक बार ओल्ड लाहौर में शूटिंग कर रहे थे और वहाँ पे आपको इतने खातिरदार लोग मिले कि रात में आप सोने लगी तो आपके टांगे भी दबाने लगी, वो क्या किस्सा था? हाँ, एक दफ़ा मैं क्या हुआ, मैं सो रही थी और वो मेरे साथ मेरी बहन थी, शुक्र है मेरी बहन, पता नहीं मुझे उस दिन क्या फील था कि कुछ होने वाला है, ठीक है. वो मैंने उसको कहा कि तुम आज यहीं मेरे साथ सो जाओ, तो दूसरे रूम में सो रही थी. तो रात के कोई 3 बजे अचानक से कोई लाइट गई होगी किसी, मैं सो रही थी और वो एकदम से किसी ने मेरा बहुत ज़ोर से पाँव पकड़ा और यूं कर लिटरली वहाँ से लेके यूं करके यूं मुझे खींचा है और मैं आधी बैठी करके जा रहे. आप मजाक ना करें, ये ना ये असल में होने लग जाता है. हुआ ये कि हम लोग टांगे लपेट के सोऊंगा आज, यूं करके सो रहा हूँ. हम लोग उस दिन सारी फ्रेंड्स बैठ के रात को ना बातें कर रही थी कि अच्छा तो जिन ये होते हैं अरे नहीं आएंगे इधर, ये हमने बात की हुई है. नाम ही नहीं, ये इस कारपेट पे जिन नहीं आते. शाहरुख खान. हाँ, शाहरुख खान वो ऐसे होते हैं तो उनका नाम लो ना तो आ जाते हैं. तो ये मैंने कहा अच्छा ऐसे नहीं होता. और ये हम बातें करते करते हम सो गए और वो लिटरली उसी रात उसने मेरी टांग खींची और मैं ऐसे इसमें चुकाई नहीं है. मेरी बहन उस दिन और अनफॉर्चुनेटली शी वॉज एक्सपेक्टिंग उस वक्त, मेरी बहन मेरे साथ थी, तो उसने मुझे कहा कि क्या हुआ मुझे उसके भी गले पास बैठ के उसने कहा उसको क्या हो गया. वो मुझे पकड़ी, मैंने उसको भी जोर से मार के फेंका, मुझे लगा एक और जिन आ गया. तो खैर वो बहुत स्केरी था. उफ़ पैसे भी गायब हो गए थे. ओह, आपको कैसे पता? ये उर्वा ने बताया मुझे. पैसे कैसे गायब हो गए थे, ये क्या हो रहा है वहाँ पे? अच्छा, प्रोडक्शन टीम में था जी. मेरे एक स्वीट रूम है वहाँ पे, एक लाउंज सा है, मतलब बहुत पुरानी हवेली टाइप है, उसके अंदर रूम है फिर रूम है. तो मैं वो पहले वाला गेट फिर दूसरा दोबारा लॉक करके सोती हूँ, ऐसी मतलब मुझे एक डर लगता है. तो मैं सो रही थी तो मुझे लगा कि रात सुबह के 5:30 बज रहे थे, तो कोई आया है और वो एक लड़की है वहाँ पे मेरा मसाज करती है, आंटी हैं, तो वो आई हैं, कह रही हैं आपका मैंने मसाज किया था, आपने पैसे नहीं दिए मुझे. मैंने कहा अच्छा, तो वो कहती है कि ना, मैंने कहा अच्छा बाद में आ जाएगा, आप अभी क्यों आ गई हैं? तो वो कहती है कि ना नहीं नहीं मैं बाजी निकाल के जा रही हूँ. उन्होंने मेरा बैग खोला और उसमें से ना 5,000 का नोट निकाला और चली गई. और आप देखती रही, मतलब मैं देखती रही, मैंने कहा किया क्या है इसने, मैं सोई पड़ी हूँ, ये क्या कर रही है? अब मैं सुबह उठी हूँ तो वो लिटरली दोनों दरवाजे भी लॉक थे, अब बैग खोला, बैग में 5,000 रुपये भी नहीं थे. कैसे आई हूँ अंदर? और वो कह रही मैं तो नहीं आई. मुझे तो इस बात की हैरानी है कि आपके पास 5,000 पड़े थे. हमारे पास नहीं होते ना इतने पैसे यार. तुम्हें हाईएस्ट पेड एक्टर हो, क्या मैं आपको समझा? कैश में देते हैं जलो. नहीं लेकिन कि बहुत बच्चे बड़ी हैरानी हुई इस बात. हाँ भाई, तो बहुत हैरानी. तो मैंने सुना है कि बातें नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, वो समझते हैं कि हम मेहमान हैं इनके, वो आ जाते हैं. हाँ, वो अभी चैलेंज भी ले लेते हैं ना. अच्छा, डरते नहीं हो तुम, अभी देखो जानते नहीं हो फिर दोस्त को. सुनिए, जाहिद अहमद हमारे एक बहुत ही अच्छे आमद तो वो है ना. उनके साथ ये नहीं हो पाएगा जो सवाल मैं करने वाला हूँ. जाहिद अहमद का कहना ये है कि आपका पेयर उनके साथ बहुत मशहूर हुआ, अच्छी केमिस्ट्री थी, लेकिन उनका कहना है ये है कि मुझे सोनिया के साथ रोमांटिक सीन करने में भी एक्स्ट्रा मजा आता है. आपको भी यही ख्याल है या आपका डिफरेंट ख्याल है, या सिर्फ ये वो ही सोच रहे हैं? मेरे साथ वैसे ज़्यादातर हीरो कंफर्टेबल फील कर. ऐसे कैसे, मतलब ये मेरे लिए एक ऑकवर्ड सीन है, मतलब मुझे ये लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा रोमांटिक सीन, इसको कैसे कंफर्ट जोन में आते हैं एक दूसरे के साथ? क्योंकि मैं उनसे बातचीत करके उनको कंफर्टेबल कर देती हूँ. मैं कहती हूँ कि अच्छा रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होता, सब झूठ है. हाँ, ये एक्टिंग दिल पे मत लेना जाहिद. नहीं, जाहिद इज़ एन अमेजिंग एक्टर. तो वो एक्चुअली उसका जो टेम्परमेंट है ना, वो समझना बड़ा मुश्किल है. तो मैं समझती हूँ कि उसको कब गुस्सा आता है, क्या चीज़ है. तो मेरे ख्याल से हमारी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बन जाती है. ठीक है, वैसे ही है.
अच्छा रोमांटिक एक्टिंग करने के लिए ये जो कुछ होती है कि आंख में आंख ना डालें ऊपर देखें इस तरह कुछ करते हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल, आंख में आंख डाल के तो हंसी निकल जाती है। अच्छा एक दिन मैं एक इश्तहार कर रहा था, उनका हीरोइन की इसकी लड़की की आंखों में आंख डालें, अब मैं डाल के ना वो कह रहे हैं बस क्यों होने वाला होता है ना, अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो क्यों में ना उसके नथने छोटे बड़े हो रहे हैं लड़की के, अब फोकस वहाँ हो गया मेरा नथनों के ऊपर। अब जब वो उसने डायलॉग बोलना शुरू किया उसने कुछ बोला नथने ऊपर नीचे हो रहे हैं उसके, अब मेरी हंसी छूटे जा रही नथने देख देख के। मैंने डायरेक्टर को बोला सर वो आप बोल रहे हैं आंखों में नहीं देखो मैं नथनों में देख रहा हूँ मेरी हंसी छूट रही है। अच्छा एक गेम का वक्त आ गया, गेम का नाम है नजरबंद। गेम खेलेंगे गेम का नाम है नजरबंद। इसमें होगा ये, आपको एक ब्लाइंड फोल्ड पहनाएंगे, स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर नजर आएगी, वो किसी पर्सनैलिटी की हो सकती है, किसी जगह की, जानवर की या चीज की। जी आपने सवाल पूछ के गेस करना है सोनिया कि ये क्या है। ये मैं पहनूं? अगर मैं पहन लूंगा तो मुझे तो मतलब गेम कैसे होगा। अच्छा अच्छा नहीं समझ गई, अभी पहन लूं? अभी पहन लें क्योंकि बस पहनते ही आ जाएगा ना। अच्छा सही पहन, दिखाओ बेटा ऑब्जेक्ट क्या है। ओए, 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 बहुत ही फ्रेंडली ऑब्जेक्ट लगा है। फ्रेंडली बहुत, अक्सर दोस्त ऐसे हो। कोई चीज है? इंसान है? इंसान नहीं है, है? इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, इंसान चीज है? चीज भी नहीं है। चीज नहीं है, चीज नहीं है, जानवर है। ओ जानवर, अच्छा चार पांव वाला जानवर? नहीं 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 कोई पांव है इसके? पांव ही नहीं है? पांव नहीं है। पांव तो परिंदों के भी होते हैं? पांव परिंदों के होते हैं मगर अच्छा जहां नहीं, पांव तो सभी के होते हैं भाई, पांव सभी के होते हैं, ये बेचारा माजूर है। ओ नहीं ओ अच्छा अच्छा ओ अच्छा अच्छा ये लंबा है। ओके लंबा जानवर? ओ लंबा जानवर है, लंबा जानवर, लंबा जानवर, लंबा। ओ हो पानी के? पानी में भी चला जाता है? पानी में भी चला जाता है, मतलब एम्फीबियन है? एम्फीबियन है। अच्छा ओ लंबा भी है? लंबा भी, वकार जगह का दोस्त है, वकार जगह का। Like अच्छा तो क्रॉल करता है? हाँ क्रॉल करता है। ओ स्नेक है? इट्स अ स्नेक, यस। पहनी रहेगा, पहनी रहेगा, बहुत अच्छे। जैसे ही वकार जगह का नाम लेता हूँ लोग सांप तक पहुंच जाते हैं। अगला दिखाओ बेटा। अल्लाहु अकबर बहुत ऊंचाई। शाहरुख खान जी ना? शाहरुख, शाहरुख जिन? नहीं जिन नहीं है। तो इंसान है कोई? नहीं नहीं इंसान। अच्छा इंसान इस पे अक्सर इंसान अपेयर हुए हैं, ये इंसान नहीं है। इंसान अपेयर हो गया इसके? अपेयर होते हैं इस पे। ओ कोई स्क्रीन टाइप कोई चीज है? वो भी है इसके ऊपर। अच्छा। लेकिन ये ऐसा है कि ये इसके आसपास सब छोटा लगता है। इसकी पिक्चर बनी हुई है? पिक्चर है, जगह है, चलें जगह है। अच्छा ओ मूवीज चलती हैं? पता नहीं मूवीज नहीं। हाँ मूवीज पे देखने मजा नहीं आएगा। ओ अच्छा ड्रामा चलता है? अरे नहीं छोटे छोटे क्लिप चलते हैं बस इस पे। ओ ओ वो नहीं 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 वो नहीं है। वो है नहीं आप मुझे डबल माइंडेड कर रहे हैं ना, यही है ना? नहीं नहीं वो नहीं है, अल्लाह की कसम वो नहीं है। छोटे क्लिप्स चलते? हाँ हाँ क्लिप्स तो आप बताइए। अब ये जगह है और लोग जमा होकर देखते हैं, बोला अबे आजा आजा इस पे ये लगाए, और अखबारों में खबरें आती हैं अबे उस पे वो लगे थे। ओ क्रिकेट मैच देखते हैं इस पे? अरे नहीं ये कोई टीवी की स्क्रीन देखने वाली चीज, मतलब ये खुद चीज देखने वाली है, इस पे अक्सर चीजें और ये देखने वाली चीज है। और बहुत अच्छा एक और चीज, लोग कहते हैं यार इसको पूरा देखो तो सर की टोपी गिर जाती है। कोई बदतमीजी की चीज? नहीं इसके अंदर बड़े अपार्टमेंट है वहां बदतमीजियां होती होंगी। ऐसा क्या है मैं समझ नहीं आ रहा भाई। आपने ये देखा है? आपने ये देखा है और मुझे पूरा यकीन है आप यहाँ गई भी होंगी, यहाँ रही भी होंगी। मैं गई भी हूँ रही भी हूँ? हाँ हाँ मैं तो हर जगह नहीं रहती। अरे मैं कब कह रहा हूँ हर जगह रहती, मगर आप यहाँ गई हैं? गई हैं भाई, आपकी मैनेजर से पूछता हूँ। गई हैं? गई कह रही गई रामा गई हूँ। हाँ वो कह रही है गई हैं। अच्छा अच्छा यहाँ से नीचे देखो तो ऐसा लगता है कि अबे सब चूटियाँ हैं। ओ दुबई में? हाँ दुबई में उनके तो खुश हुए हो। सही पहुँच रही, सही पहुँच रही। अच्छा अब दुबई में ऐसा क्या है? क्या बुर्ज खलीफा? बुर्ज खलीफा इज द राइट आंसर। वेरी वेल प्लेड सोनिया, उतारिएगा अपना मास, बहुत अच्छा खेला आपने। अब तीन होता है वक्त, एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आसना बनाए कहीं नहीं जाए। तुमने एक सेकंड और दुम रह गई इसकी।
भाई जान मेरे तो बहुत कुछ रह गया है, आप दिखाएं जो है। तो यार इतना अच्छा कैसे बना रही हो आप? इसके पेट को क्या हुआ? भाई आप ये चेक करो यार। मुझे पता मैं कितना लूं, क्या रेट खोलूं मैं इस बात का? आपको पैसे मिलेंगे? मैं यही पूछना चाह रहा हूं, अगर मुझे कोई बोले यार आपको मेरी शादी पे आना है तो मैं क्या बोलूं? कितने आप अपनी शादी पे बुलाएंगे? उनको उनकी शादी पे बुलाएंगे ना, सेलिब्रिटी आया हमारी शादी में। अच्छा, लोग मुझसे कहते हैं यार हमारी शादी पे आए परफॉर्म करें, मैंने कहा नहीं बेटा आज आप करें। कॉमेडी करने के लिए बुलाते हैं ना कि यहाँ हमारी शादी परफॉर्म करें, मैं कहता नहीं बेटा आज आप ही करें। अच्छा, तो ये आप मतलब और नॉर्मली एक ए लिस्टर जो है वो अगर किसी की शादी में जा रहा है बड़े आदमी की तो कितना लाखों में चार्ज करते हैं? जी बहुत होते हैं, मतलब मिलियंस में होते हैं। जाके सिर्फ देख दिखाना होता है? हाँ जी, बस दूल्हे दुल्हन के दोस्त बन के तस्वीर खिंचवानी होती है और बस। वाह, ये क्या अंदर की बात है? ना अंदर की बात है क्या, इनको पता होना चाहिए इनकी शादियाँ हो रही हैं, इनको बुलाना हो अगर किसी को। मैं तो कभी नहीं गई। आप नहीं कभी? बड़ा ऑकवर्ड सा है, मतलब जानते नहीं। अरे मैं एक शादी में गया, बड़े मौलाना साहब के कोऑर्डिनेटर ने बोला सर हमारे यहाँ शादी है आपको आना है, वो मौलाना साहब भी आ रहे हैं उनको आपसे मिलना है। तो मैं ऐसा शलवार ववार कुर्ता पहन कर गया, मौलाना साहब आ रहे हैं दो चीज़ों के दरमियान एतदाल रखना है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो गाड़ी की पार्किंग में गानों की आवाज़ें आ रही हैं। अरे ये तो मुझसे अलग सेटिंग बनाई थी। खैर मैं उतरा, उन्होंने मुझे गेट से ही पकड़ लिया कि ताबिश भाई सेल्फियाँ खींचेंगे जरा, रिश्तेदार आए हुए। उस सेल्फियों के हुजूम में मैं गेट स्टेज तक पहुंचा, वहां पे सेल्फियां हुई दूल्हे के साथ, और उनका ताबिश भाई आप बहुत मसरूफ होंगे आइए मैं गाड़ी तक छोड़ दूं, ये उतार के मुझे वापस गाड़ी तक लेकर बिठाया। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई, निकाल दिया वो शादी से। हाँ मतलब तस्वीरें खिंचवाते हुए ले गए, तस्वीरें खिंचवाते खिंचवाते लाए, 15 मिनट में यूं गया यूं आया और चला गया। ऐसे ही होता तो पानी भी गंदा, बुरा क्या लगा, निकाल दिया शादी से। देखो मुर्गी की रोटी दे देते यार, बिरयानी में मेरी नजर थी भाई, इतने लोग थे वहां पर, पानी भी नहीं पिलाया यार, अब नहीं आऊंगा मैं। अच्छा भाई सोनिया, वक्त आ चुका है कि आपकी थोड़ी और स्किल्स भी ट्राई की जाए, एक्टिंग स्किल्स हमने सबने देख ली, अब आया है वक्त कि आपकी स्केचिंग स्किल्स टेस्ट की जाए। गेम का नाम है बनावटी, इसके गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है, जैसा भी बनाएंगी ये आपके साथ ही जाए, ठीक है? तो होगा ये कि स्क्रीन पर एक स्केच आएगा, जैसे ही वो स्केच आएगा ये लोग जो हैं ये 5 4 3 2 1 करेंगे, 5 सेकंड तक का वो स्केच रहेगा यहाँ पर, और जैसे ही ये काउंट डाउन खत्म करेंगे स्केच गायब हो जाएगा, हमारे पास 30 सेकंड होंगे वो बनाने के लिए, ठीक है? ओके ओके, जो अच्छा बनाएगा ये डिसाइड करेंगे। चलो भाई दिखाओ पहला क्लिप क्या है। 3 2 1 कितना टाइम होता है इसका? हाँ 30 सेकंड, जिंदगी भर यही काम करते रहेंगे क्या? क्या बन गया ये? क्या मतलब घोड़ा लग रहा है यार ये, दिखाएं सोनिया आप प्लीज पहले। अच्छा रहा है, मैंने ऐसा लग रहा है कि गाय चारा खा रही है। ये क्या निकल रहा है नीचे इसके? एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स, टांगे निकाली भाई मैंने, टांगे इसमें साइन कर दीजिएगा। टांगे तो थी नहीं आपने, टांगे क्यों निकाली? मुझे याद ही नहीं रहा, लगाएं लगाएं इसमें साइन कर दीजिएगा सोनिया, ये लगेगी हमारी वॉल ऑफ फेम पे। अच्छा जी, मजाक नहीं, सब आर्टिस्टों की लगेगी। अच्छा चलो अगला दिखाओ। अरे क्या बना दिया मैंने, सुने एक सेकंड और दुम रह गई इसकी। भाई जान मेरे तो बहुत कुछ रह गया है, आप दिखाएं जो है।
यार इतना अच्छा कैसे बना रही हो आप? इसके पेट को क्या हुआ? भाई आप ये चेक करो यार। ये तो लड़की बनाई है आपने। देखो बाल भी बनाए मैंने, अंडर आर्म से बाल भी है लड़के ये के क्या साथ कह रहा हो? जुमा नहीं है ना इसलिए गंदा है ये। भाई ये भी सोनिया नहीं अच्छा बनाया है, बस अब फाइनल है। अच्छा भाई ऐसी चीज बनाओ बस के बस सोनिया बना ना पाए बेटा, ऐसी लगाओ बहुत अच्छी ड्रॉइंग है इनकी, देखो बुरी लगे ऐसी बनाओ। भाई चुपकली अच्छी लगती है। ये क्या ड्रॉइंग है? बना लें अगर आपको आती है, हमारे तो ये भी मुश्किल है। अबे भाई चलेंगे बना लेंगे। और तेरी नहीं नहीं ये कैसे बना सकते हैं? अरे बना लेंगे कुछ नहीं, तो बट कम टाइम है इसके लिए। कुछ भी बनाना है सुनिए कुछ भी। अच्छा चलें काउंट डाउन शुरू करो बेटा। अरे घोड़े का मतलब पीछे का हिस्सा बन गया, अब आगे कैसे बनेगा ये? घोड़ा क्या फोर व्हील ड्राइव होता है? घोड़े के कान होते हैं। घोड़े के कान होते हैं। घोड़ा है वो छुटकली थोड़ी, वो घोड़ा है वो। नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आदमी तो रह ही गया। भाजन मेरा घोड़ा नहीं बन पाया। घोड़े की दुम होती है। अरे कौन सी दुनिया में आप रहती हो भाई, घोड़े की दुम भी होती है मुंह भी होता है। घोड़ा तो गौर से नहीं देखा मैंने। मैं भी मेरे घोड़े को लग रहा है हर्निया का प्रॉब्लम है, बड़ा ऑपरेशन होगा इसका। लड़के के स्पाइक्स हैं। और मैं दो टांगों का घोड़ा बनाया बेटा। यार आपने बड़ी गंदी मुझे दी है चीज बनाने। दिखाना सुन दिखाना। ओ घोड़े के बाल भी है, बॉल बना दूं? घोड़े और बकरे का क्रॉस लग रहा है ये जो आप चीज बनाएंगे। यार आप मेरा घोड़ा देखो यार, घोड़ा तो है, घोड़ा है ये घोड़ा। सुने मैं घोड़े पे कभी गौर नहीं किया। यार देखो ना आपका घोड़ा बिल्कुल टेक्निकली गाय भी है, घोड़ा भी है, कुत्ता भी है वो कहीं से। लेकिन बहरहाल सोनिया आपकी स्केचिंग स्किल्स बहुत अच्छी, मुझसे तो बहुत ही अच्छी। ताली होनी चाहिए सोनिया के लिए। सोनिया ये आपके साथ जाएगा, इसको सिर्फ एक हाथ लगा दो ताकि बरकत हो जाए। वेरी गुड, ये आपके साथ। सोनिया थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हसना मनाए, मजा आ गया आपसे बातचीत करके। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और हमने कमाल की बातें की, शारदी की। जाने से पहले सोनिया करता हूं मैं कमाल की बात। आज ही कमाल की बात है। हेनरी डेविड कहते हैं कि सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी लुकिंग फॉर इट। यानी अगर आपको कामयाबी चाहिए तो जाहिर बात है आपको उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप घर पे बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि यार बस मैं किसी तरीके से मशहूर हो जाऊं, एक वीडियो बना लूं, टिकटॉक बना लूं, नहीं ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू लुक फॉर इट, यू हैव टू वर्क फॉर इट। 11:55 हो रहे हैं आपकी घड़ियों में। सोनिया 11:55 पे रात की क्या करती हैं? मैं नेटफ्लिक्स आजकल क्या देख रही हूँ? आजकल क्या देख रही हूँ? क्राउन देख रही हूँ। क्राउन देख रही, बड़ी अच्छी सीरीज है। दिन हजरात आप भी अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम गुजारिए, जल्दी सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।